हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम हमारा विज्ञान कक्षा 4 का 11वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का बच्चों, कक्षा 4 साइंस हिंदी मीडियम का 11वां चैप्टर, कक्षा 4 का चैप्टर का नाम है बच्चों, दूषित वातावरण तथा बीमारियाँ। आप भी मेरे साथ बुक निकालिए बच्चों और मेरे साथ चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर का नाम है दूषित वातावरण तथा बीमारियाँ। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरे को वातावरण कहते हैं। बच्चों, हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरे को वातावरण कहते हैं। यह हमारे जीवन का आधार है। हमारे बच्चों आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरे को वातावरण कहते हैं। यह हमारे जीवन का आधार है। वातावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वातावरण बच्चों हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह प्रत्येक दिन अथवा कुछ क्षणों में भी बदल जाता है। यह बच्चों प्रत्येक दिन अथवा कुछ क्षणों में भी बदल जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए बच्चों हमें अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। दूषित वातावरण में कीटाणु उत्पन्न होकर वायु वायु और जल को दूषित कर देते हैं। दूषित वातावरण में बच्चों कीटाणु उत्पन्न होकर वायु और जल को दूषित कर देते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः साफ तथा स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः बच्चों स्वच्छ और साफ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम अपने घर तथा आसपास के वातावरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा स्वच्छ बना सकते हैं। हम बच्चों अपने घर तथा आसपास के वातावरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा स्वच्छ बना सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हम अपने घर तथा आसपास के वातावरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा स्वच्छ बना सकते हैं। नंबर 1 पे है बच्चों कूड़े करकट का उचित निस्तारण। नंबर 1 पे है कूड़े करकट का उचित निस्तारण। कूड़े करकट का उचित निस्तारण आवश्यक है। इसका उचित निस्तारण ना होने पर वातावरण में गंदगी फैलती है, जिससे अनेक खतरनाक कीट तथा सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और हमारे शरीर में पहुंचकर हमें अस्वस्थ कर देते हैं। बच्चों, वातावरण में अगर गंदगी होती है तो इससे खतरनाक कीट तथा सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। गांव में कंपोस्ट पिट बनाकर उसमें कूड़ा डालना चाहिए। गांव में बच्चों कंपोस्ट पिट बनाकर उसमें कूड़ा डालना चाहिए। इससे गांव में गंदगी नहीं फैलती और खेतों के लिए खाद भी बन जाती है। शहरों में कूड़े करकट को घर से दूर एक निश्चित स्थान पर या नगर पालिका के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। शहरों में बच्चों कूड़े करकट को घर से दूर एक निश्चित स्थान पर या नगर पालिका के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ऐसा करने से हम अनेक बीमारियों से दूर रहते हैं। नंबर 2 पे है बच्चों दूषित जल का उचित निस्तारण। नंबर 2 पे है दूषित जल का उचित निस्तारण। दूषित जल की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, दूषित जल की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसे घर के आसपास एकत्र नहीं होने देना चाहिए। बच्चों, अपने घर का जो गंदा पानी रहता है उसके लिए नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये गंदा पानी घर के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। गड्ढों में दूषित जल एकत्र होने से उसमें मच्छर तथा अन्य कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। गड्ढों में दूषित जल एकत्र होने से बच्चों उसमें मच्छर तथा अन्य कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। गांव में सोकपिट बनाकर उसमें दूषित जल को छोड़ दिया जाता है। गांव में बच्चों सोकपिट बनाकर उसमें दूषित जल को छोड़ दिया जाता है, जबकि शहरों में दूषित जल को पक्के नालों तथा शहर के बाहर निकाल दिया जाता है। शहरों में बच्चों दूषित जल को पक्के नालों द्वारा शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। शौचालयों का प्रयोग।
शौचालयों का प्रयोग। कुछ लोग खुले स्थानों पर मलमूत्र का त्याग करते हैं। इसकी दुर्गंध से आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है तथा उन पर मक्खी मच्छर बैठकर हमारे भोज्य पदार्थों को भी दूषित कर देते हैं। कुछ लोग बच्चों खुले स्थानों पर मलमूत्र का त्याग करते हैं। इसकी दुर्गंध से आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है तथा उन पर मक्खी मच्छर बैठकर हमारे भोजन पदार्थों को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। अतः इससे बचने के लिए हमें शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। इससे बचने के लिए बच्चों हमें शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। शौचालयों को रोगाणु मुक्त रखने के लिए इसमें कीटनाशक दवाइयों इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। शौचालयों को रोगाणु मुक्त रखने के लिए इसमें कीटनाशक दवाइयों इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 पे है बच्चों, पशुओं के आवासों की सफाई। पशुओं के आवासों की सफाई, जहाँ पर पशु को अपन रखते हैं उस जगह की सफाई। पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा आदि के रहने के स्थानों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। पालतू पशु बच्चों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा आदि के रहने के स्थानों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ पशुओं के मलमूत्र को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। इसी के साथ बच्चों पशुओं के मलमूत्र को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, अन्यथा इनमें मक्खियां तथा अन्य कीटाणु उत्पन्न होकर पशुओं को बीमार कर सकते हैं। अन्यथा इनमें बच्चों मक्खियां तथा अन्य कीटाणु उत्पन्न होकर पशुओं को बीमार कर सकते हैं। आपने क्या सीखा? नंबर 1 बच्चों, गांव में कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। कंपोस्ट पिट में। इसका उत्तर है बच्चों कंपोस्ट पिट में। शहरों में दूषित जल को किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? नालियों के द्वारा। सूक्ष्म जीव। कुछ जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। कुछ जीव बच्चों आकार में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीव सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्मजीव बच्चों जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। ये वायु, मिट्टी, जल तथा जीवधारियों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। अब अपन जानते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु बच्चों एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी कोशिकाएं स्वतंत्र, श्रृंखलाबद्ध अथवा समूहों में पाई जाती हैं। इनकी आकृति गोलाकार या छड़ जैसी होती है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि जब हम दूध को दही के लिए जमाते हैं तो उसमें जीवाणुओं का बनना आवश्यक होता है। इन्हीं जीवाणुओं से हमारा दूध जो है दही में बदल जाता है। परंतु कुछ हानिकारक जीवाणु टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा आदि उत्पन्न करते हैं। विषाणु ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। विषाणु से पोलियो, चेचक, फ्लू, खसरा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। विषाणु से बच्चों
पोलियो, चेचक, फ्लू, खसरा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कवक, कवक दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। सामान्यतः ये सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। सामान्यतः बच्चों ये कवक जो हैं वो सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। फफूंदी तथा कुकुरमुत्ता कवक के अच्छे उदाहरण हैं। फफूंदी तथा कुकुरमुत्ता कवक के अच्छे उदाहरण हैं। कुछ कवक दाँत तथा खुजली जैसे रोग फैलाते हैं। कुछ कवक बच्चों दाँत तथा खुजली जैसे रोग फैलाते हैं, जबकि कुछ हमारे भोज्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। कुछ बच्चों हमारे भोजन पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, यानी विषयुक्त बना देते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा काटने से होता है? मलेरिया बच्चों मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा काटने से होता है। इस चैप्टर के बच्चों कुछ अब आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं, ये एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ बच्चों एक कोशिकीय जीव है। इनसे डायरिया तथा मलेरिया रोग फैलता है। प्रोटोजोआ से बच्चों डायरिया तथा मलेरिया रोग फैलता है। इस चैप्टर की बच्चों कुछ याद करने योग्य बातें हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए बच्चों हमें अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़े करकट का उचित निस्तारण ना होने पर वातावरण में गंदगी फैलती है। कूड़े करकट का उचित निस्तारण ना होने पर वातावरण में गंदगी फैलती है, जिससे अनेक खतरनाक कीट व सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जिससे अनेक खतरनाक कीट व सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। गांव में कंपोस्ट पिट बनाकर उसमें कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। गांव में शोक पिट बनाकर उसमें दूषित जल को छोड़ दिया जाता है। शौचालयों को रोग मुक्त रखने के लिए इसमें कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। शौचालयों को बच्चों कीट रोगाणु मुक्त रखने के लिए इनमें कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीव बच्चों कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ। ये चैप्टर बच्चों अपना यही ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी कॉपी निकालिए और इन अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को नोट कीजिए। अभ्यास में सबसे पहले है बच्चों का नंबर पे दिया हुआ है सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर पे दिया गया है बच्चों सही शब्द सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर एक पे है कीटाणु उत्पन्न होकर वायु को कर देते हैं। कीटाणु उत्पन्न होकर वायु को कर देते हैं। इसके बच्चों तीन ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर एक स्वच्छ, नंबर दो दूषित, नंबर तीन इनमें से कोई नहीं। इसका सही वो है बच्चों दूषित। इसका सही आंसर है दूषित। नंबर दो वाले ऑप्शन पे दूषित लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। कीटाणु उत्पन्न होकर वायु को कर देते हैं दूषित, तो दूसरे वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर दो पे है दूषित जल को बहाना चाहिए। दूषित जल को बहाना चाहिए। इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर एक है सड़कों पर, नंबर दो नालियों पर, नंबर तीन पार्क में। तो इसका सही आंसर है बच्चों नंबर दो वाले ऑप्शन पे जो नालियों में लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। दूषित जल को बहाना चाहिए नालियों में। जिस पे बच्चों ये गलत का निशान लगा है वो अपने को नहीं करना है। नंबर तीन अपने को नहीं करना है। नंबर चार है सूक्ष्म जीव हमारे लिए होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए होते हैं। इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, लाभदायक, नंबर एक पे है लाभदायक, नंबर दो पे है हानिकारक, नंबर तीन पे है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर तीन वाले ऑप्शन पे दोनों लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, इसलिए दोनों लिखा हुआ है इस ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर पाँच वाला अपने को नहीं करना है बच्चों। अब अपन चलते हैं नंबर खा की तरफ।
उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नग्न, सूक्ष्मदर्शी, कंपोस्ट पिट, प्रोटोजोआ और रोगाणु मुक्त। इसमें भी बच्चों रिक्त स्थानों में भी अपने को जिस पे गलत का निशान लगा हुआ है वो दोनों अपने को नहीं करना है। नंबर एक पे चलते हैं। गांव में कूड़ा करकट में डालना चाहिए। नंबर एक है गांव में कूड़ा करकट में डालना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों कंपोस्ट पिट लिखना है। नंबर एक के खाली स्थान में हमें कंपोस्ट पिट लिखना है। गांव में कूड़ा करकट कंपोस्ट पिट में डालना चाहिए। नंबर दो है बच्चों हमें शौचालयों को रखना चाहिए। हमें शौचालयों को रखना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों रोगाणु मुक्त लिखना है। नंबर दो के खाली स्थान में हमें रोगाणु मुक्त लिखना है। हमें शौचालयों को रोगाणु मुक्त रखना चाहिए। नंबर तीन और चार हमें नहीं करना है बच्चों। नंबर पाँच पे आते हैं। से डायरिया तथा मलेरिया रोग फैलता है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों प्रोटोजोआ लिखना है। प्रोटोजोआ से डायरिया तथा मलेरिया रोग फैलता है। नंबर पाँच वाले खाली स्थान में हमें प्रोटोजोआ लिखना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर गा की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें भी बच्चों जो जिस पे गलत लिखा हुआ है जिस पे गलत का निशान लगा हुआ है वो अपने को नहीं करना है। नंबर एक अपने को नहीं करना है। नंबर दो पे आते हैं। पशुओं के आवासों की सफाई कभी कभी करना चाहिए, ये गलत। बच्चों पशुओं के आवासों की सफाई हमें रोज़ करनी चाहिए, इसलिए नंबर दो वाले के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर तीन है हमें मलमूत्र त्यागने के लिए शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर तीन पे है हमें मलमूत्र त्यागने के लिए शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर चार अपने को नहीं करना है बच्चों। नंबर पाँच पे आते हैं। विषाणु दाद और खुजली जैसे रोग फैलाते हैं, ये गलत है। नंबर पाँच के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर घा की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी बच्चों जिन दो पे प्रश्नों पे गलत का निशान लगा हुआ है वो अपने को नहीं करना है। प्रश्न नंबर एक है बच्चों स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण यानी साफ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों पेज नंबर 460 पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर एक है स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। दूषित वातावरण में कीटाणु उत्पन्न होकर वायु और जल को दूषित कर देते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः साफ तथा स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रश्न नंबर एक का उत्तर है बच्चों स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। दूषित वातावरण में कीटाणु उत्पन्न होकर वायु और जल को दूषित कर देते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः साफ तथा स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब अपने को बच्चों प्रश्न नंबर दो नहीं करना है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ। सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर तीन है। इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों 4.61 पे देखना पड़ेगा। 4.61 पेज पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर तीन है बच्चों सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों कुछ जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ है।
ये कौन कौन से हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजुआ है। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, कुछ जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रोटोजोआ क्या है? इससे कौन कौन से रोग फैलते हैं? प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रोटोजोआ क्या है, इससे कौन कौन से रोग फैलते हैं? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों पेज नंबर 4.62 पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोटोजोआ क्या है? ये एक कोशी जीव है। ये बच्चों एक कोशी जीव है, इनसे डायरिया तथा मलेरिया रोग फैलता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोटोजोआ क्या है, इससे कौन कौन से रोग फैलते हैं? इसका उत्तर है, ये एक कोशिकीय जीव है, इनसे डायरिया तथा मलेरिया रोग फैलता है। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा अच्छी तरह से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबों को अच्छी तरह से याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।